हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट्थ का। दिस इज़ क्लास एट्थ एक्सरसाइज 3.4.1। ओके, लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट्थ एक्सरसाइज 4.1। तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लोग अगर अभी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे तो जाइए जल्दी से इंट्रोडक्शन क्लास देखिए और उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास बिना ये थोड़ा सा क्लास आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या फाइंड करना है? बेस और एक्सपोनेंट फाइंड करना। तो जल्दी से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि बच्चों ये लिखा हुआ है 5 के पावर 3। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। तो बच्चों क्या है, ये जो टर्म है नीचे वाला, दैट्स कॉल्ड अ बेस, और इसके ऊपर वाला जो टर्म है ना बच्चों, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ओके, सेम क्वेश्चन अगर सेकंड वाला देखो, जिसमें थोड़े से माइनस वाले नंबर गिवन है, जैसे 2 के पावर -5 है, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। है क्या बच्चों, ये जो 2 है ना बच्चों, ये कहलाएगा आपका बेस कहलाएगा, और ये जो बच्चों -5 है ना, ये कहलाएगा आपका एक्सपोनेंट। आई थिंक यू गॉट इट दिस थिंग। ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट के टर्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब सेम क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पिक कर लेता हूँ। क्या गिवेन है बच्चों यहाँ पे? कह रहा है बच्चों -2 बाई 5 के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट की बात करें तो बच्चों हमें पता है जो नीचे वाला टर्म होता है वो क्या होता है, बेस। तो -2 बाई 3 आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अगर इसी के पावर की बात करें बच्चों, तो पावर या फिर एक्सपोनेंट दोनों सेम है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये सर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये आपका जो मैंने बाय मिस्टेक 3 लिख दिया, वहाँ 3 नहीं होगा बल्कि वहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखोगे 4 के पावर 3/2 गिवेन है। अरे सर, अब ये कैसा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो बहुत इजी है बच्चों, देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 के पावर 3, या फिर छोड़ो ऐसे मत लिखो, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिखते हैं। देखो कैसे, हम इसे 4 के पावर 3 ना लिख के हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं क्या, कि 4 के पावर 1/2 और इसके बाई 3, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, अब देखो, अब इतना हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये √4 हो गया, इसके पावर 3 हो गया। अब √4 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। अब 2 के पावर 3 हो गया, अब 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, मतलब कितना आ गया, 8 आ गया। अब कुछ लोग को यहाँ डाउट होगा कि सर ये 1/2 था तो ये रूट कैसे हो गया? देखो बच्चों, ये जो रूट की वैल्यू होती है मैंने आपको ऑलरेडी स्क्वायर रूट में बताया था कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है चलो, इसी के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि देखो मैंने क्या लिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ, जैसे देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने पिक किया बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं पिक करता हूँ। क्या गिवन है बच्चों, कह रहा है 32 768 के पावर 1/15। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो करना क्या है आपको, ये जो वैल्यू है 32768, इसका क्या करना है बच्चों, आपको फैक्टर करना है। चलो फैक्टर करो, तो सर लाइन टेढ़ी होगी, सॉरी उसके लिए 2 से करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा। अभी 1 इसके पास गया, इसके पास हो गया, 1 इसके पास गया, कितना हो गया 12, तो 2 6 12 हो गया। अब यहाँ 7 है तो 2 3 6 हो गया, अब यहाँ 1 आ गया तो 2 8 2 4। चलो अब ऐसे ही डिवाइड करते जाओ इसको, तो 2 8 16 हो गया बच्चों। अब 2 1 2 आ गया, अब 1 इसके पास बचा बच्चों, तो ये गया 4 8 के पास। ठीक है, तो कितना हो गया 18 हो गया, तो 2 9 18 और 2 2 4 हो गया। चलो बच्चों फिर से 2 से डिवाइड करो, तो 2 4 8, अब 0 जाएगा नहीं तो 1 आ गया, 1 जाएगा नहीं तो 0 आ गया, 19 हो गया,
टू नाइन ज़ा 18 और टू सिक्स ज़ा 12 हो गया। फिर से टू से डिवाइड होगा, टू से ले जाइए तो टू फोर टू ज़ा 0 और टू टू ज़ा 4 0 और टू फोर ज़ा 8, टू एट ज़ा 16, ठीक है। अब इसको फिर से टू से डिवाइड करेंगे तो टू वन ज़ा 2 0, टू टू ज़ा 4 और टू फोर ज़ा 8। फिर से टू से डिवाइड करो बच्चों तो टू फाइव ज़ा 10, टू वन ज़ा 2 और टू टू ज़ा 4। अब देखो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि ये 512 है, मतलब किसका फैक्टर होगा, सर ये 8 का फैक्टर होगा। बट चलो हम लोग इसको पूरा करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा 4, वन इसके पास गया कितना हो गया 11, टू फाइव ज़ा 10 और टू सिक्स ज़ा 12, मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ। फिर से टू से करेंगे बच्चों तो टू वन ज़ा 2 और यहाँ पे कितना बच्चा बच्चों ये हो गया टू टू ज़ा 4 और टू एट ज़ा 16 सॉरी। अब फिर से टू से करें, टू सिक्स ज़ा 12 हो गया, टू फोर ज़ा 8 हो गया। फिर टू से डिवाइड करो तो टू थ्री ज़ा, टू टू ज़ा, फिर टू से डिवाइड करेंगे तो टू सिक्सटीन ज़ा, फिर टू से डिवाइड करेंगे तो टू एट ज़ा और उसके बाद फिर से देखो टू से डिवाइड होगा तो ये फोर ज़ा और उसके बाद फिर से टू से डिवाइड होगा टू ज़ा, उसके बाद फिर टू से डिवाइड होगा तो ये कितने टाइम, वन टाइम, यानी फाइनली वन टाइम आ गया। तो अब देखो टू कितने टाइम आया है, वन टाइम, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और ये 15। इट मीन्स क्या हुआ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं टू के पावर 15 के पावर 1/15। बोलो बच्चों है कि नहीं, हाँ सर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू के पावर 15 इंटू 1/15 हो गया। अब 15 वन ज़ा 15, 15 वन ज़ा 15 कितना आ गया बच्चों, टू आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया आंसर टू, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखो गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 वाला, क्या है बच्चों, इज गिवन दैट 343 के पावर -1/3। तो पहली बात ये -1/3 है, तो हम इसे क्या चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/343 के पावर 1/3। अरे बोलो बच्चों होगा कि नहीं होगा, यस अब ये इतना हो गया। तो यानी इसका पावर क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अब देखो ये फैक्टर किसका है, तो बच्चे ये फैक्टर है 7 × 7 × 7 का के पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/ ये 7 का क्यूब हो गया इंटू 1/3 हो गया, मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो क्या आएगा 1/7 आएगा, जो इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका सिंप्लीफाई। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ भी वैल्यू आपको फाइंड करना है, सिंप्लीफाई नहीं है, वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट वैल्यू कितना है बच्चों, फर्स्ट वैल्यू है आपका 32/243 के पावर 4/5, ठीक है बच्चों। चलो देखो अब हमें इसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कह रहा है ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 32 के पावर 4/5 अपॉन 243 के पावर 4/5, क्योंकि एक चीज़ हमें पता है कि a के पावर a बाई बी के पावर अगर हमारा n है तो ये a के पावर भी n होगा और ये b के पावर भी n होगा, यानी दोनों नंबर का ये n हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब क्या होगा सिंपली, अभी 32 है तो 32 है तो हम जानते हैं 32 किसका फैक्टर हो जाएगा बच्चों, 32 आपका फैक्टर हो जाएगा ये 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32 के पावर 4/5। अब देखो 243 की बात करें, 243 तो बच्चों ये डिवाइड होगा किससे, 3 से, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 से बात करें तो फिर ये कितने टाइम्स आएगा सर, 27 टाइम्स आएगा, फिर 3 से ले जाए तो 9 टाइम्स आएगा, फिर 3 से ले जाए तो 3 टाइम्स आएगा, उसके बाद फिर 3 से ले जाए तो ये 1 टाइम्स आएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गया आपके 3 और एक लास्ट 3, इट मीन्स 5 टाइम 3 आ गया, इसके भी पावर क्या होगा 4/5। अब देखो बच्चों अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं जनरली 2 के पावर 4 × 4/5 अपॉन, और इसे जनरली क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं सर 3 के पावर 5 इंटू
फोर बाई फाइव, ठीक है। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ डिवाइड अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, कुछ कट रहा है तो, जैसे यहाँ देखो फाइव से फाइव कट गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कट रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं कट रहा है। जैसे टू के पावर फोर इंटू फोर बाई फाइव ही है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आगे से टू के पावर सिक्सटीन बाई फाइव, लेकिन ये वैल्यू कितनी होगी, थ्री के पावर फोर हो गई। और यहीं पे इसका आंसर आप छोड़ना चाहो तो आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अब कह रहा है इसे कि वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फोर बाई फाइव, कहीं कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, जरा सा चेक करते हैं। अगर 32 है हमारा बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, ठीक है। फिर 2 से ले गए तो 2 एट ज़ा 16, और अच्छा ठीक 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 तो यहाँ रॉन्ग हुआ है। देखो ये 5 टाइम आएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा, अरे कैसे सही तो आ रहा है, सही तो है। अच्छा ये 5 टाइम है और मैंने यहाँ 4 टाइम लिखा है, ठीक है ये 5 टाइम है, तो ये 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 5 से 5, तो आंसर यहाँ पे ये नहीं आएगा, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था कैलकुलेशन में, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 अपॉन 5 के पावर 4, सॉरी 3 के पावर 4। इस मीन्स क्या हो गया, 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स कितना, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, ये बच्चों आ गया 16 अपॉन, और 3 के पावर कितना हो गया, 81, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 81, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था क्वेश्चन में, और बाकी सारे चीज़ें सेम हैं। चलो देखो आगे की बातें देख लेते हैं, इसका इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। अब यहाँ पे कह रहा है कोई, इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड वाला, व्हाट इज सेइंग दैट, सेइंग दैट 625 अपॉन 81 पावर माइनस 1/4, ओके। तो यहाँ पे माइनस 1/4 है, तो अगर हम इसे ये कर देते हैं 81 अपॉन 625, तो इसका जो पावर माइनस है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। चलो अब देखो, अब 81 की बात करें तो 81 को हम 81 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, और यहाँ 625 के पावर भी हम 1/4 लिख सकते हैं। चलो बच्चों आगे देखो, 81 के पावर 1/4 है, तो हम इसे ये तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि अभी हमने देखा 1/4, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी आया था ये चीज़। अब यहाँ देखो 625 किसका फैक्टर होता है बच्चों, ये 25 का स्क्वायर है, तो मतलब 25 इंटू 25, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 और इसे 5 इंटू 5, इट मीन्स 4 टाइम 5, और इसके भी पावर कितना है, 1/4 है। तो बच्चों देखो क्या हो गया, ये 3 के पावर 4 इंटू 1/4 और ये 5 के पावर 4 इंटू 1/4, तो 1/4 से 1/4, 1/4 से 4, ये कितना आ गया 3/5, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वैल्यू, फर्स्ट ही वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू, ये क्वेश्चन 4 है, फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, कह रहा है 0.04 के पावर 5/2। अब देखो बच्चों इसको कैसे करोगे, तो इसे करना क्या है, पहले तो इसे आप फैक्टर करो, आप ये मतलब इसे स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा ये 1/2 × 5, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये क्या है, रूट है किसका, 0.4 का, और इसके पावर कितना है बच्चों, इसके पावर है आपका 5, तो बहुत इजी है, कैसे हो जाएगा देखो, 0.04 है तो इसकी वैल्यू आएगी सर 0.2 आएगी, अब इसके ऊपर 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मल्टीप्लाई हो गया कितना, 5 टाइम है। अब देखो 0.2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम करोगे, सॉरी इसको मत समझिएगा, 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर 2 की वैल्यू बस हम देखें तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, कितना आ गया बच्चों,
32 आ गया। बट अगर नंबर ऑफ जीरो काउंट करें, डेसिमल काउंट करें, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी डेसिमल कहाँ आएगा, इतना आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0.00032, ये इसकी आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसी अकॉर्डिंग इसका एक और क्वेश्चन देख लें तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं इसका एक और क्वेश्चन देख लूँ, क्वेश्चन नंबर चलो मैं कौन सा ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता हूँ, काफ़ी बड़ा है। तो क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, कह रहा है 0.000729 के पावर 5/6, 5/6, ठीक है, इतना वैल्यू गिवन है। तो बच्चों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो नंबर है क्या करेंगे हम, 729 अपॉन, पहले तो इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेसिमल के नीचे क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हमारे क्या आ जाएंगे, जीरोस, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस के पावर कितना बच्चों, पावर है आपका 5/6। आगे देखो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें 729 की, तो 729 जो है, 729 हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 9 मतलब 9 का क्यूब, और ये जो नंबर है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 0, हम इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 6 यानी 10 के पावर 6, है कि नहीं। तो देखो अब जो वैल्यू आएगी हमारी, अब जो वैल्यू आएगी हम उसे लिखेंगे 9 के पावर 3 अपॉन 10 के पावर 6 के पावर 5/6। चलो अब इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये 9 के पावर 3 के पावर 5/6 हो गया अपॉन ये 10 के पावर 6 के पावर 5/6 हो गया। ठीक है सर, अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 3 1 3, 3 2 6, अब यहाँ ये 6 है तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बच्चा 9 के पावर 5 अपॉन 10 के पावर 5, ठीक है, 9 के पावर 5 और 10 के पावर 5। अब इसका मतलब ये हुआ सर, अब मल्टीप्लाई करना है हमें 5 टाइम, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, अब देखना जितना भी इसका रिजल्ट आ जाए आप इसके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, मैटर ज़्यादा हो जाएगा। चलो तो आज और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, मे बी ये क्वेश्चन आपका लास्ट होगा इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 जो इस पार्ट का लास्ट होगा, उसके बाद हम पार्ट 2 में बाकी के रिमेन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हो आप क्या कह रहा है, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लिया जाए हम लोग, ठीक है, अगर देखो अगर फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग पिक कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे एक मिनट रुक जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे क्या है, देखिए सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, 27 अपॉन 1/3 इंटू 27 पावर 4/3, वो भी माइनस में। ठीक है, अब देखो चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा चेंज होगी, सबके पावर 27 है, तो एक मेथड आपका ये है कि आप कॉमन लेके कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो सबका, आपको एक चीज़ याद है कि नहीं, अगर ए के पावर बी था इंटू ए के पावर सी था इंटू ए के पावर डी था, तो हम ये भी तो कर सकते थे, ए के पावर बी प्लस सी प्लस डी, है कि नहीं, उसी यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 के पावर 2/3 प्लस 1/3 प्लस ये -4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 27
अब यहाँ पे देखो सबके एलसीएम क्या है, एक सबके डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, हम इसको एक बार लिख लेंगे अपॉन 3। तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गई 27 के पावर 213 माइनस 1/3, सॉरी माइनस 1/3, ठीक है, कितना हो गया माइनस 1/3। अब जब हमारे पास माइनस 1/3 आ गया तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 27, तो ये जो 1/ माइनस 1/3 था ना, ये 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, 1/27 देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, और इसके ऊपर क्या है बच्चों, 1/3। इट मीन्स क्या हो गया, 1/3 के पावर 3 × 1/3, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3 आ गया, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद इस चैप्टर को हम ये इस एक्सरसाइज इस पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं। क्या है बच्चों, 729 के पावर -5/3 और इसके पावर है आपका -1/2, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो पहले तो हमेशा अंदर से स्टार्ट करना, सॉल्व करना, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो -1/5/3 है ना, तो अगर इस माइनस को चेंज करना है तो हम इसके पावर को चेंज कर देंगे, तो जैसे हमने इसका पावर को चेंज किया तो अब इसकी जो वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गई 5/3 आ गई, क्या आ गई 5/3, इसके ऊपर कितना है -1/2 है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखो, अब 1/ इसकी बात करें तो देखो ये 1/9 × 9 × 9 जाएगा, इसके पावर बच्चों कितना आएगा 5/3 आएगा, और इसके पावर की बात करें तो ये कितना है -1/2 है, ठीक है सर। चलो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो आ गया 1/9 का क्यूब × ये 5/3 का क्यूब हो जाएगा, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब ये चलिए ये -1/2 हो गया। आगे देखो बच्चों यहाँ पे, अब ये आ गया आपके पास -1/9 के पावर 5 के पावर -1/2, ठीक। अब देखो इसका क्या करेंगे, तो सर अब हम इसे अपोजिट कर देंगे, तो ये जो माइनस है ना ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के पावर 5 1/2, ठीक है, क्या वो चेंज हो गया, ये माइनस खत्म हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे अभी जो 9 है ना, हम इसे चेंज कर देंगे किसमें, 3 में, तो ये 3 × 3 के पावर 5 × 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2 × 5 × 1/2, तो मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3, अब 3 के पावर 5 आ गया, अब 3 के पावर 5 के मतलब क्या हो गया बच्चों, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 5, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, 3 × 3 = 9 3 × 9 = 9 9 = 81 81 3 = कितना हो गया 3 × 243, कितना आ गया 243, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम इसके 6 से 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा, कुछ आज नया ट्राई किया था, सोचा आप लोग से डिस्कस कर लूँ कैसा है ये, ठीक है। चलिए बच्चों कल मिलते हैं, जय हिंद।